सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा डेली पंजाब न्यूज़ दे विच। दोस्तों, इस वेले दी वड्डी खबर, साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों आई वड्डी खबर, सारे पासे हो गई चर्चा। दोस्तों, इस वेले दी वड्डी खबर, सो खबर नूं शुरू तो लेके आखिर तक जरूर देखना, तुहानूं पूरी खबर बारे पता चल जाएगा। उस तो पहला दोस्तों एक छोटी जिही बेनती है, साडी वीडियो नूं लाइक शेयर अते चैनल नूं सबसक्राइब करना भी ना भुलना। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब दियां कई जिलों के जिथे वख-वख मामलों के तहत बहुत सारे सिख कैदी सज़ा कट रहे हैं और उन्होंने हजे तक रिहाई नहीं हुई, जो कि अपनी सज़ा भी जेल में पूरी कर चुके हैं। उत्थे ही इन्हां मामलों को लेकर साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों जिथे जेल में बंद सिख कैदियों के हक में आवाज़ बुलंद की गई है, उत्थे उन्होंने वालों केंद्र सरकार उपर भी शब्दी हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि सज़ा पूरी होने के बावजूद भी बहुत सारे सिख कैदियों की रिहाई हजे तक नहीं हुई, जिथे उन्होंने वालों पहला बेअंत सिंह कतलकांड के दोषी राजोवान की रिहाई नूं लेके भी उन्होंने रहम के आधार पर 30 अप्रैल तक फैसला लैण के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट वालों केंद्र सरकार नूं दिते गए सन, पर हजे तक उन्होंने रिहा नहीं किया गया, जिथे वह पिछले 27 सालों तो जेल में हैं, अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं और पिता के देहांत होने पर उन्होंने एक घंटे लिए रस्मां विच शामिल होने का मौका दिता गया सी अते कुछ समय लई परलो भी दिती गई सी। हरसिमरत कौर बादल वालों जिथे लोग सभा दे विच बोलदिया होया संसद मैंबर मौके ते 2019 विच एनडीए सरकार वालों 8 सिख कैदियों नूं विशेष छूट जारी की गई सी।